श्री राजा रामपाल सरल स्वभाव, कोमल हृदय, मधुर भाषी एवं जमीन से जुड़े साधारण व्यक्तित्व वाले जनप्रिय नेता हैं। श्री राजा रामपाल एक सच्चे देशभक्त के रूप में समाज और देश के प्रति अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ जनसेवा के लिए जाने जाते हैं। वे अत्यंत जुझारू एवं कर्मशील व्यक्ति हैं। श्री राजा रामपाल के व्यक्तित्व के बारे में जितना भी बखान किया जाए उतना ही कम है। ये मिलनसार प्रवृत्ति, साफ एवं निर्मल छवि, उदारवादी, पुरुषार्थी एवं विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। इनकी खेलकूद में भी बहुत रुचि है। युवा वर्ग में इनकी एक खास छवि है। उनके लिए ये संघर्षशील, जवाबदेह, आत्मविश्वास से परिपूर्ण एवं ठोस कदम उठाने वाले आशावादी प्रवृत्ति के मालिक हैं और एक बड़े ही प्रेरणा स्रोत हैं। उनके साथ ये हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर काम करने के लिए जाने जाते हैं। श्री राजा रामपाल जी का पैतृक गांव सिरोह, तहसील घाटमपुर, कानपुर में स्थित है। श्री राजा रामपाल जी ने यहीं एक सामान्य परिवार में जन्म लिया और यहीं इनका लालन पालन हुआ। मैं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सिरोह, पोस्ट पड़लालपुर, तहसील घाटमपुर, कानपुर में पैदा हुआ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/11/1960 है। मैं बचपन से ही, हमारे पिता, तीन भाई, उनकी दो बहनें, हम छह भाई तीन बहनें, जॉइंट फैमिली में मेरा लालन पालन हुआ। मैं उन छह भाइयों में तीसरे नंबर का भाई था, जो कक्षा एक से लेकर के ग्रेजुएशन तक पढ़ाई लिखाई में ठीक होने के कारण ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके वकालत शुरू करने का काम किया और साथ ही प्रारंभिक शिक्षा भी गांव के ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय में इन्होंने ग्रहण की। जैसे कि हम लोगों को पता है कि राजा रामपाल जी हमारे इसी गांव के रहने वाले हैं, इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस स्कूल से पढ़ करके वो सांसद के लिए चुने गए। इनकी प्रखर बुद्धि एवं पढ़ाई में तीक्ष्ण मानसिकता की झलक बचपन में ही दिखाई देने लगी थी। इनकी सरलता, सरसता, सौम्यता की झलक यहाँ की मिट्टी में मिलती है और आज भी ये अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। सांसद राजा रामपाल जी जो आज मौजूदा जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो हमारे साथ एक साथ हम लोग पढ़े हुए हैं, कक्षा एक से लगाकर कक्षा आठ तक एक साथ पढ़े, फिर इसके बाद में हाई स्कूल तक परिलालपुर स्कूल में पढ़े और इसके बाद में वो चले गए कानपुर। कानपुर जाने के बाद में उन्होंने LLB की। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई श्री गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज घाटमपुर कानपुर और श्री नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज पतारा कानपुर से प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने DBS कॉलेज कानपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तदुपरांत दयानंद विधि महाविद्यालय से कानून की शिक्षा ग्रहण की। ये इस महाविद्यालय का गौरव रहा है कि यहाँ से ही पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं भारत गणराज्य के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी जैसी कई नामचीन महान हस्तियों ने शिक्षा प्राप्त की है। अपने विद्यार्थी जीवन काल से ही देश सेवा और समाज सेवा की भावना ने ही श्री राजा रामपाल जी को राजनीतिक क्षेत्र की ओर आकर्षित किया, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के पश्चात वे राजनीति में सक्रिय हो गए। धीरे धीरे इन्होंने जनसेवक के रूप में आम जन के बीच अपनी कर्मठ एवं जुझारू कार्यशैली से बहुत जल्द लोगों के हृदय में जगह बना ली। इनकी राजनीति में बढ़ते कदम निरंतर अग्रसर होते रहे और श्री राजा रामपाल जी जनता के बीच एक अच्छे नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए और उनकी गहरी पैठ बनती गई। अपने कार्यकाल में जनमानस से जुड़ी समस्याओं का बखूबी निवारण किया और निरंतर नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया। श्री राजा रामपाल 1982 से 1996 तक
नियमित प्रैक्टिस करते रहे हैं। इनके साथ में 15,000 वकील और क्षेत्र की जनता जुड़ी हुई है। ये हमेशा गरीबों की, दलितों की, मजदूरों की निःशुल्क वकालत करते रहे हैं। इसके अलावा 1996 के बाद से आज तक हर सोमवार को ये यहाँ पर आकर DM, DIG, SSP और तहसील में जाकर लोगों की मदद करते हैं, उनको फ्री उनकी सेवाएं करते हैं। अच्छे वकालत के बावजूद भी मेरा दिल ये कहता था कि इतने काम के लिए तुम नहीं आए हो, तुम्हें इससे भी बड़ा काम कोई करना है। तो मैं तमाम राजनीतिज्ञों से मिला, उनसे मैंने एक सवाल किया कि मैं भी पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, लेकिन पूछो क्यों। तो उन्होंने कहा कि पूछो क्यों आना चाहते हो, तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी का मकसद करोड़ों के लिए जिंदा रहना है, वो चाहे राजनीतिक मार्ग हो चाहे राजनीतिक मार्ग हो। 1996 में टिकट पा करके मैं पहली बार घाटमपुर विधानसभा से MLA बना, और MLA बनने के बाद कांसीराम साहब ने कहा है तुझे MLA बन के नहीं रहना है, तुझे MP बनना है। उसके बाद 98 पार्लियामेंट लड़ाया MLA रहते, 99 पार्लियामेंट लड़ाया MLA रहते, 2003 का चुनाव लड़ा, 2004 में फिर MP बन गया। MP बनने के बाद बहुजन समाज पार्टी में मेरे अम्बेडकर मिशन में काम करते हुए एक ऐसा दौर आया जिसके कारण मायावती के हाथ में पूरी बागडोर चली गई और कांसीराम बीमार पड़ गए। तो बसपा का एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या बाजी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहन जी ने वो नारा बदल दिया, उन्होंने कहा जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात मुझे बहुत पिंच की कि इसके लिए बसपा कांसीराम साहब ने नहीं बनाई थी। और मैंने 2009 में आखिरी दिन नामिनेशन वाले दिन बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुआ। वो कांग्रेस जो 2004 में जब मैं बसपा से MP बना तो केवल 22,000 वोट मिले थे, लगभग 25 साल से जमानत जब्त करा रही थी। आखिरी दिन नामिनेशन करके हमने कांग्रेस से भी 2009 में 37,000 वोटों से जीत हासिल करने का काम किया। और राहुल गांधी जी ने मेरी क्षमता को परखा और मुझे 19/11/2012 में एक बड़ा OBC का सम्मेलन करने के लिए कहा। मैंने 3,00,000 की रैली अकबरपुर में मैंने करने का काम किया। उस ताकत को देखते हुए माननीय राहुल गांधी ने मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया और हिमाचल का प्रभारी बनाया। इनकी कार्यशैली इतनी प्रभावशाली, जुझारू, कर्मठ एवं संघर्षशील है कि उससे प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन्हें सचिव एवं अन्य कई अहम पदों पर नियुक्त किया। इन्हें हिमाचल प्रदेश के प्रभारी का कार्यभार सौंपा गया जिस पर ये खरे उतरे। इन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इस पद पर इन्होंने शानदार, जोशीले, प्रेरणादायक, पुरुषार्थी और जवाबदेही की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी को एक नई उड़ान प्रदान की। मैं सबसे पहले राजनीति में 1996 में से अपने बर्थ प्लेस घाटमपुर से मैं MLA बना। उस दौरान बसपा की गवर्नमेंट ज़्यादा दिन की नहीं थी, लेकिन फिर भी उस गवर्नमेंट में मैंने 2 ऐतिहासिक काम किए। लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने घाटमपुर को कानपुर नगर से जोड़ने का काम किया, बिल्हौर तहसील को कानपुर नगर से जोड़ने का काम किया। जो भी आप काम बताएंगे, कभी भी इन्होंने कभी किसी व्यक्ति को भी ये नहीं कहा है कि मैं आपका ये काम नहीं कर सकता, कभी नहीं कहा। किसी व्यक्ति चाहे कोई पहुंच जाए, बहुत इस तरीके का आदमी नहीं। और मैंने कभी सार्वजनिक जीवन में आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका चित्त कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोग वो जात, दल, धर्म, चित्त नहीं जानते। हमारे कंप्यूटर में गड़बड़ है, हमारे हमें सब भाई
सारे इंसान नजर आते हैं। पावर प्लांट इन्हीं की देन है, सांसद जी की देन है, नेशनल हाईवे रोड है, बहुत सकरा रोड हुआ करता था, गिट्टी की कबराई से गाड़ियां आती थी, बहुत आए दिन एक्सीडेंट होते थे, इन्हीं की देन है जो इन्होंने यहाँ पे लगवाया। 2009 में एमपी बनने के बाद यूपीए 2 में हमने सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम, उत्तर प्रदेश में जो उद्योग बिल्कुल ठप पड़े थे, कानपुर जो एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था लेकिन ऊर्जा की कमी के कारण वो संचालित नहीं हो रहे थे, उसको ध्यान में रख करके 4000 मेगावाट का पावर प्लांट न्यू वैली लिग्नाइट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के कोलेबोरेशन से स्थापित कराने का काम किया। कानपुर से कबरई मार्ग जो बहुत खराब था, घाटमपुर पहुंचने में 3-3 घंटे लगते थे, उसको हमने नेशनल हाईवे का काम भारत सरकार से स्वीकृत करा के अपने टाइम में कराने का काम किया। हमने बिठूर जो पौराणिक स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है, जो 12-14 साल से वहाँ ट्रेन का संचालन नहीं हो रहा था, उसको 16 करोड़ रुपया दिला करके उसको ब्रॉड गेज कराने का काम किया। और इस 5 साल की मोदी की गवर्नमेंट में 16 करोड़ रुपया स्वीकृत होने के बावजूद भी 5 साल में अभी केवल लाइन बिछ पाई है, अभी तक ट्रेन नहीं लग पाई है। क्योंकि मेरा प्लान इसको बिठूर तक ही नहीं, इसको कानपुर से सीधे सफीपुर पाया लखनऊ, लखनऊ से फैजाबाद तक ट्रेनें चले, जिससे कानपुर से लेकर फैजाबाद जाने वालों को बढ़िया सुविधा हो सके, इसका मेरा प्लान है। अगर मैं एमपी बन के आया तो निश्चित तौर पर इस ट्रैक को आगे सफीपुर से लखनऊ होते हुए फैजाबाद तक चलवाने का काम। अकबरपुर रनिया में पतरा स्टेशन में जहाँ 25-30 गांवों के लिए ट्रेन का कोई साधन नहीं था, उसके लिए हमने दूसरा हाल्ट 1 किलोमीटर पर, आज़ादी के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं होगा, हमने पतरा में दूसरा रेलवे हाल्ट बनवाने का काम किया। हमने कानपुर से जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें सभी स्टेशनों पर बड़ी बड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज कराने का काम किया, एक्सप्रेस का स्टॉपेज कराने का काम किया। अकबरपुर पार्लियामेंट क्षेत्र में दिव्यांगों को ध्यान में रख करके हमने हजारों की तादाद में ट्राई साइकिल, बैसाखी, छड़ी और कान की मशीन दिलाने का काम किया। कोई भी मेरी पार्लियामेंट में ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको विकलांगों को जो चीज़ सामान की ज़रूरत हो उसको मुहैया कराने का काम न किया हो। हमने सांसद निधि से पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए हजारों की तादाद में हैंडपम्प लगाने का काम किया। हमने गुरुद्वारा और मंदिर मस्जिद में पूरी पार्लियामेंट में जितने थे उन सब में हमने सौर ऊर्जा देने का काम किया है। राजा रामपाल ने लाइट जो है लगवाया था। हम लोग 24 घंटे अपना मोबाइल खुला रखते हैं, आम आदमी जब भी हमसे चाहे वो बात कर सकता है, और उनके सुख दुख में चाहे कोई उत्सव का समय रहा हो चाहे गम का समय रहा हो हम लोग उनके साथ खड़े नजर आते हैं। 5 साल जो है सांसद रहे, अब एक बाद में अब ये फिर जो है उम्मीदवार सांसद के हैं। हमारे गांव का नाम है नहीं कुछ है तो गांव का तो नाम तो है ही है, गांव के लिए तो हम अब उनको जाते तो बताओ राजा रामपाल के गांव के हैं, तो ये तो एक बड़प्पन तो है ही है। और बाकी क्षेत्र उनका इतना बड़ा है कि अब जहाँ ज़रूरत होती तहाँ काम होता है, बिना ज़रूरत के तो कहीं काम होता नहीं, जहाँ ज़रूरत समझते हैं तहाँ काम कराते हैं। इन 5 सालों में मैं लगातार, मेरा काम हर जीत से बंद नहीं होता है, जिस दिन से चुनाव के डिक्लेयर हो हारे या जीते उस दिन से फिर हमारा रूटीन रहता है, जैसे डे फिक्स हैं एक एक असेंबली के लिए, संडे मंडे कल्याणपुर, मंगल महाराजपुर, बुध बिठूर, बृहस्पति अकबरपुर रनिया और शुक्र शनिश्चर घाटमपुर। ये अगर मैं दिल्ली में या बाहर नहीं हूँ तो इन दिवस में मैं उसी पार्लियामेंट में जाने का काम करूंगा, लोगों के सुख दुख में खड़ा होने का काम करूंगा। हमने जब एमपी हम बने उस समय हमने इस देश के 67 करोड़ मतदाताओं के लिए पार्लियामेंट में एक याचिका लगाई कि सकल घरेलू उत्पाद से नेशनल इनकम प्रति माह
प्रति वोटर कितनी है उस देश में, मतदाता कितने हैं। उस समय आरटीआई के तहत पार्लियामेंट ने बताया 67 करोड़ मतदाता हैं और प्रति मतदाता पर मंथ नेशनल इनकम 3500 रुपये है। आदरणीय राजीव गांधी ने कहा था जहाँ उम्मीद रुपया फिर नीचे भेजते हैं, तो नीचे पहुँचते पहुँचते केवल 10 पैसे जमीन में जाता है। हमने उस समय तर्क दिया था कि अगर 90% बिचौलिए खा जाते हैं तो वो तमाम भ्रष्टाचारी योजनाएं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, मिड डे मील हो, कन्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, निर्बल आवास हो, ये तमाम भ्रष्टाचारी योजनाएं बंद करके सीधे पार्लियामेंट में एक कानून बनाया जाए, उसको वोटर पेंशन का नाम दिया जाए या वोटर इंसेंटिव समझा जाए या आर्थिक आज़ादी समझी जाए। वो किसी आधी, जब नेशनल इनकम 3500 रुपये पर मंथ है तो 1750 प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवा के उसे सीधे एटीएम कार्ड दे दिया जाए। वो पहली मार्च को जाए, पहले महीने में जाए और एटीएम कार्ड से अपने हिस्से की राष्ट्रीय आय निकालने का काम करे। जब राष्ट्र की आय से वो पलेगा, राष्ट्र की आय से बढ़ेगा तो नेशनलिटी उसके खून में शामिल हो जाएगी। तो उस बात को हमारी राहुल गांधी जी ने समझा और उन्होंने इस बार ये एजेंडे में दिया है न्यूनतम आय गारंटी योजना, उसको आर्थिक आज़ादी भी कह सकते हैं। श्री राजा रामपाल जी की व्यस्त जीवन शैली के बावजूद इनकी दिनचर्या में घर परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना इनकी कार्य प्रणाली का हिस्सा है। इसके अंतर्गत दिन वार प्रत्येक विधानसभा में अपना समय देते हैं। साप्ताहिक दिनचर्या में प्रत्येक दिन का प्रत्येक हिस्सा आम जन के लिए नियुक्त है। हर रोज लोगों की समस्याएं सुनना और उनका निवारण करना आम बात है। इनका मूल मंत्र करोड़ों लोगों के लिए जीना है। राजा राम पाल जी जो है हमारे गांव के नेता जी, गेट हाउस ने बनवाया, बहुत बढ़िया बना। गरीब गुरबों के लिए, बारात टिकने के लिए बड़ी सुविधा हो गई, बनवा दिया। और जो है इस समय जो है चुनाव लड़ने के जा रहे हैं, जीत के आ जाएं तो हमारा गांव जो है और चमत्कारी में आ जाए। इनका जीवन स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित रहा है। ये उनके आदर्शों, विचारों और पगधारा पर चलने में विश्वास रखते हैं। जात धर्म संप्रदाय आदि की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने में विश्वास करते हैं। श्री राजा रामपाल व्यस्त जीवन शैली के बावजूद इनकी दिनचर्या में घर परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना इनकी कार्य प्रणाली का हिस्सा है। इसके अंतर्गत दिन वार प्रत्येक विधानसभा में अपना समय देते हैं। श्री राजा रामपाल जी ने कल्याणपुर रेलवे प्लेटफॉर्म का जीर्णोद्धार कराया। ये ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें आए दिन प्लेटफॉर्म के नीचे होने के कारण हादसे होते रहते थे। श्री राजा रामपाल जी लोकप्रिय एवं जनप्रिय सांसद है। अगर हमें कोई जरूरत पड़ती है, चाहे हमारे घर में छठी हो, चाहे बच्चे का मुंडन हो, जब हम बुलाते हैं तो हमारे यहाँ सांसद जी चले आते हैं। यदि कोई गमी हो गई तो उसमें भी सांसद जी हमारे दरवाजे खड़े हुए हैं और रातों दिन सातों दिन हमेशा ये लगे रहते हैं काम में। जब भी हम चाहते हैं हमारे बीच खड़े हो जाते हैं और हमारी समस्याओं का ये निराकरण करवाते हैं। श्री राजा रामपाल जी चुनाव जीते, ये ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं। हम ये चाहते हैं, हम जितने लोग हैं सब लोग मिलकर राजा रामपाल के हाथों को मजबूत करेंगे और उनको आने वाली 29 अप्रैल को भारी मतों से चुनाव जिता के भेजेंगे। इन 25-30 सालों में किसी करोड़पति, अरबपति, लखपति को हम पर भरोसा है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने का सब ना हो। वो 150 किलोमीटर दूरी पर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी, 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में, वो व्यक्ति सोचता है अभी राजा रामपाल के पास जाएंगे मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा उस समाज के अंतिम व्यक्ति को हमारी
जिंदगी के अंतिम सांस तक कायम रहेगा, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। कांग्रेस ही एक विकल्प है हम लोगों के सामने, कांग्रेस को ही हम लोग सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को ही हम लोग जो है लाइक करते हैं, और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। राजा रामपाल जी का एक सरल नेचर है, हर समय उपलब्ध भी रहते हैं, और दूसरी बात ये कि इनकी याददाश्त बहुत मजबूत है। कभी भी जो है आप चाहे 5 साल के बाद चाहे 10 साल के बाद इनसे मिलिए, जाके आपका नाम लेके बुलाएंगे और काम सुनेंगे और काम करते भी हैं। इसलिए हम लोग जो है सभी लोग जो है एकजुट होकर के आदरणीय राजाराम पाल जी को जो है सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। और अब उनको फिर से टिकट मिला है और उन्होंने बहुत से यहाँ विकास के कार्य किए हैं, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि राजा रामपाल जी फिर से इस बार विजयी हों, और इस गांव के लिए, इन बच्चों के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा की बात है ये, और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और एक गर्व की बात है। श्री राजा रामपाल जी ने अपने क्षेत्र में मुस्लिम भाइयों के लिए अपनी निजी धनराशि से सुंदर प्रवेश द्वार का निर्माण कराया। राजा रामपाल ने गांव-गांव में न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए और क्षेत्र के विकास के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की स्वीकृत कराई। घाटमपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था उसको उच्चीकरण करा के तहसील स्तर का सामुदायिक विकास केंद्र है। राजा रामपाल मिलनसार आदमी है, जात धर्म और संप्रदाय से उठ करके लोगों से मिलते हैं और उनके काम के बारे में पूछते हैं, पार्टी का है कि नहीं इसकी परवाह नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि राजा राम पुनः निर्वाचित होकर के कांग्रेस की नीतियों को बढ़ाते हुए क्षेत्र का समग्र विकास करें। अब की बार पूरे क्षेत्र की जनता और 15,000 वकील तन मन धन से इनको हर हाल में सांसद चुनने का काम करेगी। श्री राजा रामपाल जी की दिनचर्या अत्यंत नियमित है। ये सुबह जल्दी उठकर योग के उपरांत प्रातः भ्रमण को निकल जाते हैं। तत्पश्चात लौटने पर वे समाचार पत्र व पुस्तकें पढ़ते हैं। इसके बाद वे तैयार होकर अपने क्षेत्र की समस्याओं के निवारण के लिए निकल पड़ते हैं। और शाम को घर लौटने पर अपनी धर्म पत्नी से भी विचार विमर्श करते हैं। वक्त मिलने पर देश विदेश की जानकारी टीवी चैनलों से प्राप्त करना वे नहीं भूलते। ये सवेरे से निकल जाते हैं, रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक आते हैं। मैं कहती हूँ जल्दी आया करो, तो ये कहते हैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, कैसे आऊँ जल्दी। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि पब्लिक के साथ में रहते हैं, सबका काम करते हैं, पब्लिक बड़ा प्यार देती है। हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी गवर्नमेंट के मुकाबले पर यूपीए 2 के कार्यकाल में जो हमने काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं, उनको ध्यान में रख के जनता इस बार अब कुछ नहीं चलेगा, केवल पंजा चलेगा, ये आपको कहते हुए नजर आ रही पार्टी। जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद।